हूं शिखा और आप देख रहे हैं जॉन स्टार न्यूज। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नोटबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाई गई एक ऐसी योजना थी जिसका उद्देश्य था कालाधन और कालाबाजारी पर रोक लगाना। जहां एक तरफ इस फैसले से कई लोगों की जिंदगी पर प्रभाव पड़ा, वहीं कुछ लोगों ने इस फैसले की सराहना भी की। हमारे संवाददाता ने इस बात का जायजा लिया ऋषिकेश में, देखते हैं रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी का यह प्रस्ताव जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार और कालाबाजारी को कम करना है, पर इसके विपरीत कुछ विपक्षी पार्टी और काले धन धारक इस मुहिम को खराब करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु लोगों द्वारा इसका समर्थन काफी अच्छा साबित हो रहा है। इस मुहिम को लोगों द्वारा अपनाना एक अच्छे भविष्य को दर्शाता है। लोग इस कड़े प्रस्ताव का काफी समर्थन कर रहे हैं। लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी पर जहां इसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ रहा है, वहीं लोगों को एक उम्मीद भी है कि नोटबंदी से काला धन खत्म होगा और भ्रष्टाचार रूपी जड़ों को खत्म करने में हम सफल रहेंगे। मैं खड़ा हूँ भारतीय स्टेट बैंक के सामने। यहाँ पे एटीएम बंद है और यहाँ के लोगों को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आइए हम जानते हैं उन्हीं से। यहाँ ये एटीएम बंद है तो आप लोगों को इससे क्या प्रॉब्लम आ रही है? भैया बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अभी इसके आगे भी गए थे, वहाँ भी एटीएम नहीं था, पैसे नहीं है, बैंक जा रहे हैं, बैंक से पैसा नहीं निकल रहा है। यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बहुत समस्या, मतलब पैसा ही नहीं है हमारे पास। अब मैं खड़ा हूँ ऋषिकेश में ICICI बैंक के सामने। मैं यहाँ के कुछ लोगों से जानूंगा कि नोटबंदी की समस्याओं का वो क्या क्या सामना कर रहे हैं। सर हम तो बहुत खुश हैं जी। आप खुश हैं? ATMs में पैसे अवेलेबल हैं, आपको मिल पा रहे हैं समय पे? सभी मैं जी, दो तीन दिन की छुट्टी पड़ी है तब तो थोड़ी तंगी हो गई थी, नहीं तो बाकी सब सही चल रहा है। सर और आपकी पर्सनल लाइफ से पूछूंगा कि आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, जैसे कि कैश की कोई प्रॉब्लम? नहीं, एक आधी मैं नहीं हो सकता, नहीं तो फिर कभी बाद में डलता है उसमें। इन्होंने हमें बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने जो मुहिम स्टार्ट की है उसका बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। कैमरा पर्सन अंकुर तोमर के साथ मैं धीरज, डॉन स्टार न्यूज। हिंदू रीति रिवाजों में भारतीय संस्कृति की अपनी ही मान्यता है जिसे लेकर लोगों के मन में अंधविश्वास है। भारत की पवित्र नदियों में से एक है गंगा नदी, जिसके प्रति भी लोगों का ऐसा ही व्यवहार है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं गंगा किनारे स्थित राजघाट और देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गंगा किनारे राजघाट की हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि लोग अपने परिजनों का दाह संस्कार करने यहाँ गंगा किनारे आते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस जगह दाह संस्कार किया जाना सदियों से राजा महाराजाओं के समय से होता आ रहा है। हम मौजूद है ऋषिकेश के कैलाट घाट गंगा किनारे पास और हम यहाँ इस घाट के बारे में बात करने जा रहे हैं यहाँ के स्थानीय निवासियों से। सर मैं पूछना चाहूँगी, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम दिनेश कुरियाल है। मैं यहाँ का डालवाला का निवासी हूँ, स्थानीय निवासी हूँ। तो दिनेश सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, आप इसके फेवर में आप इसको मानते हैं कि ये ठीक है हमारे लिए कहीं से? देखो ये तो जो है पुरानी परंपरा चली आ रही है कि सारी डेड बॉडी जो है इस राजघाट में, जो ये अभी पुल निर्माण चल रहा है लगभग इससे जो है 50 मीटर की दूरी से लेकर कर आपको इधर दूर दिखा दूँ मैं, ये जो बैंड है यहाँ तक जो है इसको राजघाट के नाम से जाना जाता है। अब जो है जब इससे ये गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत गंगा प्रदूषण के बारे में जो है ये वहीं चलाई है, तो उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर दो तीन बार ये बना भी दिया है, यहाँ पर ये इसका निर्माण भी किया है घाट का, शमशान घाट का, लेकिन वो हर बार बरसात में आकर के बह के चला जाता है। देखने ये होगा कि आगे अगर काम पूरा खत्म हो जाता है तो कितना ये इम्पैक्टफुल होता है कि आगे आने वाले समय पर हमारी गंगा नदी इससे प्रदूषित नहीं होगी। मैं रेनू कैमरा पर्सन एकांश के साथ डॉन स्टार न्यूज ऋषिकेश। इलाके में शांति बनाए रखने के लिए और सबको सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस की अहम भूमिका होती है। ऋषिकेश में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस क्या क्या प्रयास कर रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट। थाना मुनि की रेती जनपद टिहरी गढ़वाल का सबसे पुराना पुलिस थाना है। गांव छोटा होते हुए भी यहां की आबादी अच्छी खासी है, जिसके कारण यहां दुरुस्त कानूनी व्यवस्था जरूरी हो जाती है। जहां देश भर में महिलाओं की सुरक्षा एक अहम मुद्दा है, वहीं इस गांव में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस निरंतर प्रयास करती रहती है। देखिए हमारा जो पुलिस स्टेशन है
ये पीसफुल है, ज़्यादा अपराध तो यहाँ नहीं है, छोटे मोटे अपराध है जो हम थाना स्तर से उनका निस्तारण कर देते हैं। सीजन में काफ़ी टूरिस्ट रहते हैं तो छोटी मोटी चोरी इस तरह की चीज़ें रहती है, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल ड्यूटी पिकेट्स और गश्त लगाते हैं, तो प्रयास करते हैं इस तरह की घटनाएँ ना हो, लेकिन फिर भी कभी कभी घटनाएँ घट जाती हैं। मेरा नाम मनीषा नेगी, मैं SIUT थाना मुनि की रेती से। यहाँ पर अभी महिला से संबंधित कोई क्राइम तो ज़्यादा होते नहीं है, लेकिन मुझे एक महीना हो गया है यहाँ पे थाने में, तो ज़्यादा कोई क्राइम है नहीं ऐसे यहाँ पे महिला संबंधित। यहाँ के SHO रवि कुमार जी से बात करके हमें पता चला कि यहाँ पे अपराधों की समस्या बहुत ही कम है, यहाँ के लोग बहुत ही महफूज हैं। और उसी के साथ हमारे साथ जुड़ी थी सब इंस्पेक्टर मनीषा नेगी, जिन्होंने हमें बताया महिलाओं के बारे में, यहाँ की महिला बहुत ही सुरक्षित हैं। कैमरामैन अंकुर के साथ मैं धीरज, डॉनस्टार न्यूज़। हमारे देश की खूबसूरती विदेशियों में काफ़ी प्रचलित है। भारतीय संस्कृति और प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए विदेशी पर्यटक भारी संख्या की मात्रा में हर वर्ष यहाँ आते हैं। विदेशी पर्यटकों में देवभूमि काफी प्रचलित है, देखते हैं ये रिपोर्ट। ऋषिकेश जो प्रसिद्ध है अपने प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए, जहां काफी पर्यटकों का आगमन दिखाई देता है, यहां पर लोग ज्यादातर गंगा घाट पर आकर गंगा के किनारे बैठकर सुकून की अनुभूति कर पाते हैं। गंगा घाट न केवल अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यहाँ पर योग और साधु संतों की गतिविधियाँ भी सैलानियों को काफी आकर्षित करती हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं ऋषिकेश के गंगा किनारे बहुत ही मशहूर जगह गीता भवन में, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत खूबसूरत मार्केट्स हैं, काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, काफ़ी टूरिस्ट हमें यहाँ पर दिखे हैं। हेलो सर, कैन यू टेल मी योर नेम सर? माय नेम इज इयान ब्राइसन। इयान ब्राइसन, ओके। एंड सर, कैन यू कन्फर्म मी दैट वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम द USA. USA, ओके। सो टेल मी द थिंग विच यू लाइक इन इंडियन कल्चर, यू नो अबाउट इंडियन कल्चर सर? यस, I like the spirituality, I like the history, I like the architecture. There's lots of things that are beautiful here. And of course the food. Okay. Thanks. And you have in Rishikesh right now, so tell me the which things you like in Rishikesh. I like mainly the learning opportunities, the learning about yoga and the spirituality and the traditions. These are the things that I enjoy most about Rishikesh. And right now, the weather. Weather, okay. And for before you told me about the yoga. Yes. Yoga. So do you you know about anything related to yoga, something or the? I've practiced in the US for maybe 3 years. Oh. And so this is an opportunity to come here to the source of yoga and see closer to the closer to the beginning, what it's like. थैंक यू सो मच सर। वेल, हम जानते हैं कि ऋषिकेश बहुत ही फेमस है हमारे भारतीयों के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर सैलानियों का कितना यहाँ इंटरेस्ट है, कितना शौक है सैलानियों को यहाँ पर आने का, वो आज हमने इनसे बात करके पता चला। मैं रेनू, कैमरा पर्सन एकांश के साथ, डॉन स्टार न्यूज़, ऋषिकेश। श्रद्धालुओं के अनुचित व्यवहार के कारण गंगा का तट प्रदूषित हो रहा है। गंगा के तट के किनारे कूड़ा कचरा यूं ही पड़ा रहता है, जिसके कारण नदी में रह रहे जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। जल प्रदूषण का ये नमूना हमें आए दिन देखने को मिलता रहता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। त्रिवेणी घाट जो मशहूर है अपनी सुंदरता के लिए, वहां के तटों पर लगा है कूड़े का अंबार। यूं तो सरकार द्वारा गंगा नदी के ऊपर चलाए गए सफाई अभियान की सभी चर्चाएं करते हैं, मगर आजकल लोग खुद इसे गंदा कर रहे हैं। नदी में कूड़ा या फूल पत्तियों का फेंका जाना और इससे होने वाले दुष्परिणाम हम सब जानते हैं। इस समय हम मौजूद है त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में, जो यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध घाट है ऋषिकेश का, और यहाँ पे लोग अपने पापों को धोने आते हैं, लोग अपने बच्चों का मुंडन करवाने आते हैं, लोग यहाँ पे आके फूल छोड़ जाते हैं, लोग यहाँ पे आके नहाते हैं, और ये पूरे घाट को एकदम प्रदूषित कर रहे हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत अभियान चलाया, लोग उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में क्या ये ऐसा ही रहेगा? आने वाले फ्यूचर में क्या ये घाट और ज़्यादा दूषित होगा? कैमरामैन अंकुर तोमर के साथ मैं धीरज, डॉन स्टार न्यूज़। अगली खबर की तरफ, जहां हम आपको ले चलते हैं सीधे ऋषिकेश के वेदांता मठ, जहां पर दिल्ली से भारतीय विद्या भवन के छात्र आए हुए हैं स्टडी टूर के लिए, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के भारतीय विद्या भवन के छात्र हर वर्ष अपने स्टडी टूर के सिलसिले में ऋषिकेश आते हैं। स्टडी टूर के दौरान छात्र मीडिया की बारीकियों को व्यवहारिक तौर से समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वेदांता मठ में, जो कि ऋषिकेश में है, और यहाँ पर भारतीय विद्या भवन के छात्र छात्राएं रखे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम विपिन कुमार। सर, आप कौन से ग्रुप से हैं? मैं H ग्रुप से हूँ। सर, आज आपका क्या टास्क था? हमारा टास्क था फिक्शन।
क्या सोचते हैं कि जो इस टूर चल रहा है इसके बारे में कुछ बताइए कि टूर ये सक्सेसफुल है आपके लिए, आपके मतलब आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ये बताइए। हाँ, पूरा एक्सपीरियंस मिल रहा है और बाकी सब हमारी टीम पूरा काम कर रही है और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आके। इतने सारे स्टूडेंट हैं और सब अपना काम अच्छी तरह से कर रहे हैं और हमारे सर भी हमारा बहुत सारा सहयोग कर रहे हैं। आज हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का टास्क था जहाँ हमें नुक्कड़ नाटक करना था और साथ ही कुछ चीज़ें वहाँ के लोगों को समझानी थी। लर्निंग इज फन, आई टोटली अग्री विद द स्टेटमेंट, क्योंकि सीरियसली हमने रास्ते भर जाते हुए इतना सारा फन किया है, उसके बाद हमने वहाँ जाके लोगों को देखा, उनकी प्रॉब्लम्स को समझा, उन्हें हमने समझाया, तब हमें पता चला कि हाँ हम कुछ कुछ सीखते हैं, कुछ कुछ सिखाते हैं और साथ ही कितने मज़े भी करते रहते हैं। तो ये लर्निंग इज़ फन का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ट्रू है। हेलो, गुड इवनिंग, माय नेम अभिषेक लल्होरी। एक्साइटिंग तो शुरू से ही रहा है भारतीय विद्या भवन में, आज पहले भी रहा है, आज फिर भी रहा है। हम 8 दिनों के लिए जो ऋषिकेश टूर पे आए हैं, लर्निंग इज़ फन, मैं सच में कहना चाहूँगा लर्निंग इज़ फन सच में हमारे लिए फ़न है और हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए ही बनाया गया है। आज हमारा डॉक्यूमेंट्री था, एक्सपीरियंस अच्छा था, सर ने हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब शॉट्स बताए और फिर उसके बाद हमने बहुत घूमा, मतलब बहुत ही फ्री थे। आज का टास्क बहुत ही अच्छा था, मतलब हमें ज़्यादा हेक्टिक नहीं लगा, हम सब एक एक बारी करके शूट करा रहे थे, सब सीख रहे थे कैमरा एंगल्स एंड ये सब, तो आज पूरा दिन बहुत अच्छा था। तो ये थी एफ ग्रुप की निशु यादव जो अपना एक्सपीरियंस बता रही थी, उनका आज डॉक्यूमेंट्री का टास्क था, उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे से निभाया, इनका ग्रुप ने बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। कैमरा पर्सन अंकुर तोमर के साथ मैं एकांश कुमार, डॉनसा न्यूज, ऋषिकेश। भोजपुरी फिल्म प्रीत तो संगलगा रिलीज हो चुकी है। ऋषिकेश के सबसे बड़े सिनेमा घर रामा पैलेस में स्क्रीनिंग के दौरान पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी। हमारे संवाददाता धीरज ने पूरी स्टारकास्ट से बात की, आइए देखते हैं। इस समय मैं खड़ा हूँ तिलक रोड ऋषिकेश रामा प्ले सिनेमा घर के सामने और जैसा कि आप जानते हैं इस जगह लगी एक भोजपुरी मूवी जिसका नाम है प्रीत तुसंग लगाई, जिसके प्रोड्यूसर हैं राहुल भाटिया और डायरेक्टर हैं वीपी शर्मा। हम जानेंगे ऑडियंस से भी कि ये मूवी उन लोगों को कैसी लगी। सर, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र जी। सर, आपको ये मूवी कैसी लगी? मूवी बहुत ही अच्छी बनी और ख़ास तौर पर जो हमारा पहाड़ है उत्तराखंड, उसको लेकर ये फिल्म बनाई गई है। पलायन पर आधारित ये पूरी फिल्म दिख रही है, क्योंकि इसमें पूरा का पिक्चर जो है वो स्कूल पर आधारित है कि किस प्रकार से आजकल जो बिल्डर्स हैं वो स्कूलों पर कब्जा करके जो है वहाँ पर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं, तो उसी पर आधारित ये फिल्म है। अभी फिल्म आधी चली है, अभी देखते हैं आगे क्या होता है, पर फिल्म बहुत अच्छी बनी और मैं इसके डायरेक्टर और पूरी टीम को बधाई भी देना चाहता हूँ। मूवी बहुत अच्छी बनाई है, मूवी काफ़ी हद तक मतलब अपने जो उत्तराखंड के पहाड़ है उसको दिखाया गया, पूरी ब्यूटी नेचर वगैरह सब कुछ दिखाया गया है। मूवी की स्टोरी थीम वगैरह बहुत अच्छी है, तो मूवी काफ़ी हद तक अच्छी है। आइए आप जानते हैं इस मूवी के हीरो से। सर, आपको दर्शकों से क्या उम्मीद है कि आपकी मूवी और अच्छी सक्सेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मुझे लगता है करेगी, लोग पसंद करेंगे धीरे धीरे, धीरे धीरे पसंद करेंगे, पसंद कर भी रहे हैं, इसमें भी कर रहे हैं। सर, आपने इस मूवी में क्या कैरेक्टर पोर्ट्रे किया है? मैं इसमें एक बिजनेस फैमिली का लड़का हूं और होटल बनाने का बिजनेस है हमारा, उत्तराखंड में बिजनेस मेरा फैलाने आया हूं मैं होटल बनाने, तो उसी जद्दोजहद में ये फिल्म है। अब हमारे साथ खड़े हैं इस मूवी के डायरेक्टर और हम उनसे जानना चाहेंगे उनके मूवी के बारे में। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी इस मूवी में ऐसा क्या खास है कि इसे और मूवी से हटके बनाता है? इसमें खास ये कि हमने उत्तराखंड की जो पृष्ठभूमि को चुना था इस मूवी के लिए, एक शिक्षा के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें जैसे गांव के अंदर लोग शहर में आ जाते हैं पढ़ने उड़ने के लिए, तो वहाँ एक सुविधा होनी चाहिए थी जहाँ पर लोग वहीं पढ़ कर आगे निकलें और शिक्षा का जो विकास वहाँ पर हो सके, ये हमारा विकसित मुद्दा था इस समय। तो सर, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अभी नोटबंदी की समस्याएं चल रही है, तो आप जब ये फिल्म बना रहे थे तो क्या आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ा था? बिल्कुल सामना करना, फिर ऐसा कि हमने ये नहीं सोचा था कि नोटबंदी से हमारी फिल्म को असर पड़ेगा, क्योंकि हमारा काम था इसको डेवलप करना, एजुकेशन को डेवलप करना। अब लोग आज देखें या कल देखें शायद एक मैटर नहीं रहा होगा, उस समय ऐसा कुछ था भी जब मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी, सर्टेनली मैटर आया, सब लोग सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं, लेकिन जब देखते हैं कि क्या असर होता है इसका। ये मूवी एजुकेशन से रिलेटेड है और ये उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही है और आशा करते हैं कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छा काम करे। कैमरामैन अंकुर तोमर के साथ मैं धीरज, डॉनस्टार न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही, बाकी देश विदेश की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए जॉन स्टार न्यूज।